दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको कुछ बताने वाली हूँ। हमारे इसी जन्म में तय होता है अगली बार क्या बनेंगे आप। आइए जानते हैं कैसे। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं उसका भुगतान भी इसी जन्म में हो जाए तो हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। यानी कि यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल कुछ ही समय के पश्चात मिल जाना चाहिए, और यदि बुरे कर्म कर रहे हैं तो दंड भी इसी जन्म में मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये कर्म ही हैं जो हमें खुशी और दुख दे रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति का मौजूदा जीवन न केवल उसके द्वारा किए जा रहे कर्मों से बनता है, अपितु उसके पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का योगदान भी इसी जन्म में होता है। अर्थात यदि उसने पिछले जन्म में शुभ कर्म किए हैं तो इस जन्म में वह सुख पा सकता है, बुरे कर्म करते हुए भी वह सुख भोग सकता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में परेशानी देते हैं। काश ऐसा होता कि इस जन्म के कर्म इसी जन्म में सिमट जाते, ना पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में आते और ना ही हम अपने इस जन्म के कर्मों का फल अपने आने वाले जन्म में पाते। किंतु ऐसा संभव नहीं है। नियति ही ऐसी है कि हमें कर्मों का परिणाम हर जन्म में भोगना पड़ता है। शायद आप इस बात से अवगत हों कि कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति अगला जन्म भी पाता है। वह कैसे कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसके आधार पर उसे अगली योनि प्राप्त होती है। यदि आज आप मनुष्य योनि में हैं, तो यह आपके पिछले जन्मों के ही अच्छे कर्म हैं। मनुष्य योनि को शास्त्रों में उत्तम योनि बताया गया है, क्योंकि यह वह योनि है जब ईश्वर हमें आत्मा को मोक्ष दिलाने यानी कि जीवन मरण के जंजाल से मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हैं। और यह हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान का जाप करके, जो कि एक मनुष्य ही कर सकता है। गरुण पुराण के अनुसार माता के गर्भ में 9 महीने तक अजन्मा शिशु ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं ताउम्र आपका नाम जपता रहूंगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। हम सभी को इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगले जन्म में भी ऐसा ही हो। दरअसल अगले जन्म में कौन सी योनि मिलेगी यह पूरी तरह के इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म के विद्वान बताते हैं कि इस जन्म में इंसान के कर्म देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले जन्म में उसे कौन सी योनि मिलेगी। शास्त्रों में इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं। जिन जिन को इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है उन्हें अनंत जन्मों के संस्कार के अनुरूप यह सौभाग्य हासिल हुआ है। निम्न स्तरीय योनियों का हिसाब किताब भी ऐसा ही है। हमारी चेतना की आगे की यात्रा ऐसी होती है कि सात्विक गुण वाले ऊपर के लोकों की ओर जाते हैं और रजोगुण वाले मनुष्यत्व की ओर ही रहते हैं। जो तमोगुण प्रधान होते हैं वे निम्न स्तरीय योनियों में भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति परोपकारी स्वभाव का है, सद्गुण संपन्न है, दूसरों की मदद करता है, वह अगले जन्म में एक समाज सेवी, सभ्य, सुसंस्कृत और दयालु परिवार में जन्म लेता है। यदि व्यक्ति में धन का लालच नहीं है, उसके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण है और धन का अच्छे कार्यों में नियोजन करता है तो अगले जन्म में उसे अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। वह उस धन को फिर अच्छे कार्यों में ही लगाता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है
विद्या दान करता है तो उसकी अंतः चेतना इस तरह की बन जाती है कि वह अगले जन्म में किसी भी विषय वस्तु को बहुत जल्दी सीख लेता है। इसके चलते उसे तीव्र बुद्धि या उच्च स्तरीय प्रज्ञा प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति विद्यावान होकर भी अपनी विद्या दूसरों में नहीं बांटता है और उसे अपने तक ही सीमित रखता है तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मतिमंद होता है, उसकी संचित विद्या का खजाना आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि व्यक्ति अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का है, उसमें बदला लेने की भावना है, तो मान्यता है कि वह अगले जन्म में सर्प की योनि में जाता है। यदि व्यक्ति धन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है और वो अपने पैसे को खर्च नहीं करता है, इस मोह के कारण वह उस धन से अलग नहीं हो सकता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह सर्प बनकर उसके आसपास मंडराता रहता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आलसी स्वभाव का है, प्रमादी है और जो कम समय में किए जाने वाले काम को बहुत अधिक समय में करता है, तो वह अगले जन्म में अजगर बनता है। यदि कोई बहुत अधिक विषय वासना में डूबा रहने वाला है, तो उसे काम की अधिकता के कारण अगले जन्म में मंद बुद्धिता प्राप्त होती है और वह अपनी समस्त ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है, उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है। यहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इस सब के बाद उसे एक के बाद एक विभिन्न जन्म मिलते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह सियार, गिद्ध, सांप, कौआ बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद ही अंत में वह बगुले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति एक कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह 10 वर्षों तक भोगता है और यदि ईश्वरीय कृपा हो जाए तो ही उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। यदि आप इस जन्म में पाप कर रहे हैं तो इसका भुगतान भी अगले जन्म में करना होगा। महर्षि व्यास के अनुसार स्वर्ण की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है, वह कबूतर बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है, उसे अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेना होता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछुंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से भी बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है, उसे गधे की योनि प्राप्त होती है। अंत समय का चिंतन होता है निर्णायक। अंत समय में जैसा चिंतन होता है, उसी के अनुसार अगला जीवन मिलता है। अंत समय का चिंतन व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर करता है। उसके जो संस्कार चले आ रहे हैं, जीवन भर जो किया और उसका जो असर उसके मन क्षेत्र पर है, उसी के अनुसार चिंतन होगा और जैसा चिंतन होगा उसी के अनुसार अगला जन्म मिलेगा। अंत मति सो गति। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।